राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की यात्रा के लिए रथ तैयार किए जा रहे हैं। 10 मई से 320 कारीगर दिन के 14 घंटे इन रथों को तैयार करने में लगे हुए हैं। रथ बनाने वाले इन कारीगरों को भूई कहा जाता है। रथ निर्माण की यह कार्यशाला जगन्नाथपुरी के मुख्य सिंह द्वार से महज 70 से 80 मीटर दूर है। रथ यात्रा में अटूट श्रद्धा के चलते 10 जुलाई तक ये कारीगर दिन में केवल एक बार भोजन करेंगे। उन्हें भोजन में प्याज लहसुन नहीं दिए गए। भोइयों के मुखिया रवि भोई ने कहा कि रथ निर्माण से लेकर यात्रा के लौटने तक हम में से कोई भी लहसुन प्याज नहीं खाता। कोशिश करते हैं कि दिन में फल या हल्का फुल्का कुछ खाकर रह ले। काम करने के बाद मंदिर प्रशासन की ओर से पूरा महाप्रसाद मिलता है। उन्होंने आगे कहा कि हम उमस और 35 से 40 डिग्री की तपती धूप में हर दिन 12 से 14 घंटे काम कर रहे हैं। आलस न आए, हम बीमार न पड़े, इसलिए सख्त दिनचर्या का पालन करते हैं। रवि ने बताया कि उनका परिवार 4 पीढ़ी से रथ बना रहा है। इस वक्त उनका नौजवान बेटा भी रथ निर्माण में साथ है। फिलहाल रथ के पहिए कलश बनकर तैयार हो चुके हैं और तोता, घोड़ा, सारथी, द्वारपाल, देवी देवताओं की मूर्तियों पर रंग चल रहा है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।